रिकवर कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं बट ऑल दीज मैचेस एंड रेन एंड ऑल दैट टॉक. तो आपको ये बता दें कि आज एशिया कप में ब्रेक डे है, मतलब रेस्ट डे है. ऑल द टीम्स आर रेस्टिंग टुडे और कल से रिज्यूम होंगे सुपर फोर के मैचेस, जब श्रीलंका और बांग्लादेश होंगे एक दूसरे के आमने सामने. राइट, सो वही टाइमिंग 2:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम मैच विल बिगेन. और साथ साथ खबरें ये भी आ रही है, वो भी हम आपको अपडेट दे दें कि भाई जो पाकिस्तान इंडिया का मैच इतवार को खेला जा रहा है उसके लिए रिजर्व डे अब रख दिया गया है. ये न्यू अनाउंसमेंट है, ठीक है, कि रिजर्व डे अब रख दिया गया कि जहां भी मैच इंटरप्ट होगा, मतलब जहां भी खत्म होगा बारिश की वजह से, वहीं से अगले दिन वो रिज्यूम हो जाएगा. फाइनल के लिए ऑलरेडी रिजर्व डे है. हम अपने एक्सपर्ट्स से बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं जो हमें अपडेट देंगे. सोहेल इमरान कोलंबो भी मौजूद है. बाय द वे, कल जो श्रीलंका बांग्लादेश का मैच खेला जाएगा उसके लिए रिजर्व डे नहीं है. सो गुड टॉपिक विद वी शुड डिस्कस विद आवर एनएस. जल्दी से मैं इंट्रोड्यूस कर लूं, मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर मोइन खान. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है और वापस आ गए हमारे साथ स्टूडियो में फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स वी हैड मिस्टर अब्दुल रजाक. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आप तीनों ने क्या प्लानिंग करके आज ग्रे पहना है? जस्ट आई रियली वांट टू नो. न्यूट्रल डिसीजंस, यू हैव टू बी नाइदर ब्लैक और व्हाइट, यू वांट टू बी ग्रे. आपने ग्रीन पहना है तो पाकिस्तान का मैच नहीं है. आपको याद है वो बेंजामिन सिस्टर्स होती थी? क्वेश्चनेबल अबाउट दैट, वो आगे जाके बात करेंगे. ठीक है, सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है, वी विल टॉक टू यू शॉर्टली. बट सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट लेते हैं. सोहेल, ये आप अभी एसीसी ने जो अनाउंसमेंट किया है इसकी थोड़ी हमें अपडेट दिएगा और बताइएगा कि जो रिजर्व डे है, फिर उस दिन भी बारिश हो सकती है, प्लेइंग कंडीशन क्या होंगी, तो ये सब कुछ हमें एक्सप्लेन कर दे कि आज क्या फैसले हुए हैं. जी, पहले जो फोर सुपर फोर पहले के मैचेस थे उसका कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया था, लेकिन क्योंकि आपको इल्म है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हाई इंटेंसिटी मैच होता है, इससे रेवेन्यू भी खासा जनरेट होता है, और इसलिए इस मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कोशिश की थी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट है और वो रेवेन्यू की जो जनरेशन है उससे ज्यादा से ज्यादा चाहता था, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का भी था कि वहां से भी आपको रेवेन्यू जनरेट होने का मैच जाया हो जाता है तो वो नुकसान इसका सारा हो सकता था. लेकिन यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की, हालांकि दूसरे जो प्लेइंग कंडीशन इससे पहले थी उसमें सुपर फोर के किसी मरहले का रिजर्व डे नहीं था और अब भी किसी और मैच का रिजर्व डे नहीं है, इसलिए तमाम जो बोर्ड हैं, जो चारों टीमों के जो सुपर फोर मरहले में शामिल हैं, जो खेल रही हैं, उनसे भी इस बारे में राय ली गई थी. मुतफिका तौर पर यही फैसला किया गया था कि सिर्फ ये वाहिद मैच है फाइनल का, क्योंकि फाइनल का इससे पहले ही जो है वो फैसला किया जा चुका था कि उसके रिजर्व डे होगा. लेकिन सुपर फोर की बात तो अजीब सी लग रही है कि बाकी जो मैचेज हैं, इंडिया श्रीलंका का, बांग्लादेश का पाकिस्तान का, श्रीलंका के साथ मैचेज, उनके रिजर्व डे नहीं है. लोगों ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए, लेकिन फैसला यही हुआ था और मुतफिका तौर पर तमाम बोर्ड ने यही फैसला किया है कि ये चूंकि मैच का कमर्शियल वैल्यू है. अच्छा सोहेल, आपको जाने से पहले आप भी हमें बता दें, क्योंकि मैं भी अभी देख रही थी पूरे हफ्ते कोलंबो में तेज बारिश के इम्कान है, लाइक 90% स्पेशली जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच है. जी, मुझे आज 7 रोज हो चुकी है मैं यहाँ पर श्रीलंका में आए हुए, और पहला दिन है जब सूरज हम लोगों ने यहाँ पर देखा है. पहले कोलंबो से हम लोग डायरेक्ट किया ट्रैवल किया था पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए कैडी में, मालिकले ग्राउंड में जो खेला गया था, वहां भी रोजाना बारिशों का सिलसिला जारी था और कोलंबो में भी इसी तरह था. आज सुबह 3-4 बजे तक बड़ी मूसलाधार बारिश होती रही है, लेकिन सुबह से यहाँ से अब तक बारिश नहीं हुई, सूरज निकला हुआ है. यही वजह की आज 7 रोज के बाद तकरीबन लगभग बताया जाता है कि ग्राउंड स्टाफ ने यहाँ पर पिचेस की तैयारी और दूसरे ग्राउंड में जो चीजें होती है उनके ऊपर अपने काम का आगाज किया है. ठीक है सोहेल इमरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और अपडेट्स देने के लिए. आई नो आप बिजी हैं रिपोर्टिंग फॉर एशिया कप फॉर जियो न्यूज, तो थैंक यू सो मच, आपने हमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. मोइन आपके पास आएंगे क्योंकि अब आप लोगों ने ग्रे पहना है और आप लोग न्यूट्रल है. आई वुड आस्क अ क्वेश्चन एज समवन हु फॉलोस क्रिकेट, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, कि भाई ये ठीक है कमर्शियल वैल्यू इंडिया पाकिस्तान मैच की, तो ये दूसरा जो मैच खेला जाएगा, पहला मैच सॉरी श्रीलंका बांग्लादेश का, इसमें क्यों नहीं रिजर्व डे दिया? ये तो इस पर तो सवाल तो उठेंगे ना. देखिए वो अपनी जगह बात है कि रेवेन्यू जनरेट होता है और सबसे ज्यादा फॉलोइंग होती है इस मैच की, और नेचुरली कोशिश यही होगी इसका रिजल्ट आए ताकि जो है फाइनलिस्ट भी डिसाइड हो सके, और नेचुरली इंटेंशन यही होगी इस वक्त एसीसी की भी एंड इनफैक्ट ओवरऑल पूरी दुनिया की कि पाकिस्तान इंडिया का ही फाइनल हो. यू नो, तो मे बी वन ऑफ द रीजन के ये मैच पूरा होना कराना चाह रहे हैं. जो सबसे बड़ा फैक्टर ऑफकोर्स रेवेन्यू होता है, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया का मैच क्योंकि ब्रॉडकास्टर राइट्स जो होते हैं वो बहुत महंगे खरीदे जाते हैं, यू नो, और फिर
वो मैच ब्रॉडकास्ट नहीं हो तो बहुत बड़ा हैवी नुकसान होता है ब्रॉडकास्टर्स को, यू नो. तो मे बी द मेन रीजन इज टू आई थिंक रिव्यू द डिसीशन के एक मैच में वो होना चाहिए. लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि इस मैच में आपने दे दिया एक रिजर्व डे, दूसरे मैच में नहीं. आई थिंक होना तो चाहिए था उसूलन, फिर आप दोनों मैचेस को देने चाहिए थे, बराबरी करनी चाहिए. बट मे बी क्योंकि एक तो टाइम बहुत लगता है फातिमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी सोहेल ने भी मेंशन की है कि आपको ग्राउंड प्रिपरेशन भी तो करनी होती है, यू नो, आपको पिच भी बनानी होती है. अगर बारिश होती रही तो आप कवर्स ऑफ ही नहीं कर सकते, आप पिच बना ही नहीं सकते, यू नो. और एक हफ्ते से बारिश हो रही है कोलंबो के अंदर, तो उन तमाम चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए मे भी शायद कि इन्होंने शायद रिजर्व डे नहीं रखा उस मैच के लिए कि हमें, यू नो, प्रिपरेशन भी तो करनी होगी. ग्राउंड स्टाफ होगा, जो ग्राउंड मैन होंगे वो, अगर बारिश नहीं भी होती पिच पे उनको काम करना होगा, ग्राउंड पे उनको काम करना होगा, यू नो. और वो जो हम थ्रू आउट देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, श्रीलंका के अंदर पूरे ग्राउंड्स को कवर कर दिया जाता है, उनके ग्राउंड्स तो वैसे उसमें भी एक, यू नो, उसको रिमूव करने में भी कम से कम एक घंटा लगता है. तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखे यकीनन किया होगा. बट पाकिस्तान इंडिया की जो मोस्टली जो फॉलोइंग है उसकी वैल्यू को देखते हैं, उसकी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इस वजह से इसको रिजर्व दिया. ठीक है, दैट्स योर टेक एंड ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग. बट सिको आई वुड से डिफेंडिंग चैंपियन है श्रीलंका, दे वुड वांट टू हैव अ रिजर्व डे. इट्स काइंड वेट ऑफ द अनफेयर एंड द होम नेशन एंड द होम नेशन चाहे वो होस्ट भी करे. गलत है ये, फाइनल का एक रिजर्व डे होना चाहिए था. जो राउंड का मैच है कि उससे कौन क्वालिफाई करेगा फाइनल, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता. दूसरी जो मैचेस हैं उससे पता चल जाएगा अगर पाकिस्तान निकल गया निकल गया, या इंडिया निकल गया निकल गया, कोई बात नहीं. एक्चुअली नीयत का फुकदान है, नीयत खराब है. अगर आपको कई प्रोग्राम्स में ऐसे कर चुका हूं जिसमें भारत के जो खिलाड़ी हैं वो ये कहते हैं हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए वरना पाकिस्तान पैसे जम बना देगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा. ये मेरे सामने प्रोग्राम के अंदर क्रिकेटर्स ने बोला हुआ है. अगर आपकी नीयत ये हो कि पाकिस्तान से आप जाके पाकिस्तान में ना खेलें, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ना हो, वो रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, तो दैट इज नीयत की खराबी. कहीं ना कहीं इसका असर आएगा, उनको पता चल जाएगा कि ये नीयत आपकी सही नहीं है, और ये बहुत ही एक घटिया सोच मैं कह सकता हूं. तो यहां पे ले जाना श्रीलंका में, और जबकि सिटी साहब ने यही बोला था कि उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था कि भाई आप यूएई में करा लें ताकि बारिशें ना हो, वो भी उन्होंने रिजेक्ट किया सिर्फ इसलिए कि श्रीलंका उनके साथ मिल गया था, बांग्लादेश भी उनके साथ. खैर वो आ गए, पाकिस्तान उनकी मोहब्बत है कि जी एक एक मैच खेल के चले गए. तो ये नीयत की खराबी है, और कुछ नहीं है. ठीक है रजाक, आपका भी टेक ले लेते हैं फिर हम मूव ऑन करेंगे इस बात पे. ये आप कहते छोड़ो बस अब जो फैसला हो गया. बात नहीं, ये देखिये इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच नहीं हुआ और पूरी दुनिया देखना चाहती है, और ये कोई बुरी सोच भी नहीं है, ये अच्छी चेंज है. क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की वजह से एशिया कप है, अगर ये दो टीमें ना हो तो एशिया कप ना ही हो मेरे हिसाब से. तो ये बड़ी अच्छी चेंज है क्योंकि पाकिस्तान के अलावा दूसरे भी मुल्क वो भी देखना चाहते हैं. और अच्छी तो बात ये होती है कि अगर इंडिया मान जाती है कि पाकिस्तान के खेलने में, तो एशिया कप बड़ा अच्छा हो जाता. लाहौर में मैचेस होते हैं, कराची में मैचेस होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा, क्योंकि यहाँ पर कोई बारिश नहीं है. तो ओवरऑल जितने भी मैचेस वहां पर रेन ऑफ हो रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हुआ और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि शायद रेन हो, तो ये अच्छी चीज है. मैं तो समझता हूँ कि सारे मैच छोड़ देना चाहिए, यही मैच होना चाहिए. जब तक ये मैच हो ना जाए तब तक चलता ही रहना चाहिए. दो दिन भी होना चाहिए, तीन दिन भी होना चाहिए, चार दिन भी, वर्ल्ड कप शुरू 15 तक 16 तक ये चलना ही चाहिए. जब तक मैच ना हो जाए जान ना छोड़े, जब तक वर्ल्ड कप नहीं होता आई थिंक चलता रहना चाहिए. दिस वॉज अ नॉन सीरियस टॉक बाय द वे, सो लोगों को सीरियस ही लेना चाहिए. बट एनीवे मूविंग ऑन, हम लोग आगे भी बात करेंगे पाकिस्तान की वीकनेस स्ट्रेंथ अगेन श्रीलंका बांग्लादेश आमने सामने. यू हैव टू टॉक अबाउट बांग्लादेश बैटिंग, पूरा डिस्प्ले ऑफ बैटिंग, और श्रीलंका को भी फोकस रखना पड़ेगा. इस पर सब बातें करेंगे. बट स्पार्क स्मार्टफोन्स आपको चांस दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन. और हमने पूरे हफ्ते जब से शुरू हुआ है एक्चुअली एशिया कप देख रहे हैं हमारे कितने सारे विनर्स आए. तो जो हमने कल सवाल पूछा था और उसका सही जवाब दिया है किसने दिया है, इकरा ने दिया है. ठीक है, एंड इकरा आपको बहुत बहुत मुबारक हो. हम इकरा की तस्वीरें दिखाएंगे. एशिया कप में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसने स्कोर की थी? दैट्स द आंसर, सनत जयसूर्या विद 6 सेंचुरीज. वेरी गुड इकरा, कांग्रेचुलेशंस. आपका आपको स्मार्टफोन भी मिला है, चलो वेरी गुड. आई लाइक कि सब लड़कियां ज्यादा विन कर रही हैं. ठीक है, सो वेरी वेरी गुड. और फिर आज का सवाल हमारा क्या है प्लीज वो भी दिखा दे. और ये जो नंबर हमारी स्क्रीन पे आ रहा था इस पर आपने व्हाट्सएप करना, डोंट कॉल, व्हाट्सएप. एशिया कप में सबसे बेहतरीन औसत किस बॉलर की है?
दैट्स योर क्वेश्चन. एशिया कप में सबसे बेहतरीन औसत किस बॉलर की है, ये जवाब दे ऑन द नंबर ऑन द स्क्रीन व्हाट्सएप पे. आप व्हाट्सएप करें ठीक है, और फिर आप भी स्पार्क स्मार्ट फोन जीत सकते हैं.